फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कमांड लाइन के थ्रू हम लोग अपना S3 बकेट या S3 में कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा को डिलीट करते हैं, पुट करते हैं, कैसे नया S3 बकेट क्रिएट करते हैं और जो भी बेसिकली कमांड है। काफी मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, काफी डिटेल से मैं आपको कमांड का पैटर्न समझाऊंगा। चलिए अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस समय अपने जो AWS का कंसोल है उसको एक्सेस कर रखा है। मैं इसमें जाता हूँ, सर्विसेज में जाके अपने S3 को एक्सेस करता हूँ। और मैंने आपको लास्ट पार्ट के लिए बताया था कि मैंने जो मेरा रूट अकाउंट है उसका एक्सेस किया एंड सीक्रेट की मैंने आपको दिखाई थी कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये मेरे रूट अकाउंट की एक्सेस की एंड सीक्रेट की है। मैं अपने कमांड लाइन को जब एक्सेस करूँगा तो मुझे इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले कमांड लाइन को एक्सेस करूंगा। कमांड लाइन एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको विंडो प्लस आर की को प्रेस करना है। विंडो प्लस आर की को आपने प्रेस किया तो यहाँ पे रन बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप टाइप करिए CMD और एंटर प्रेस करिए तो CMD के बाद आपके पास ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप करिए AWS स्पेस कॉन्फिगर। तो सबसे पहली कमांड आपको टाइप करनी है AWS स्पेस कॉन्फिगर। तो जैसे आप AWS स्पेस कॉन्फिगर टाइप करेंगे तो आपसे ये एक्सेस की पूछेगा। एक्सेस की आपको यहाँ से आप अपने अकाउंट से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने बताया ये आपको कहाँ मिलेगा, एक्सेस के सीक्रेट की IAM के सर्विस के अंदर मिलेगा। AWS का जो IAM सर्विस है उसके अंदर आपको अपने अकाउंट की एक्सेस के सीक्रेट की रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने ये मेरे रूट अकाउंट की जो मेरा रूट अकाउंट है उसकी एक्सेस की है, मैंने इसको कॉपी किया। अब ये सीक्रेट की पूछा है तो ये मेरे रूट अकाउंट की मेरी सीक्रेट की है, मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो ये मेरे रूट अकाउंट की एक्सेस की है, सीक्रेट की है, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये रीजन पूछा है, मैं रीजन दिया AP साउथ 1, ये मुंबई रीजन होता है। मैंने इस पर यहाँ पे एंटर प्रेस किया एंड आउटपुट फॉर्मेट में आप सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह आप अपने AWS कंसोल को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आप कमांड टाइप करेंगे AWS। पहली कमांड है जो AWS S3 LS। LS मीन्स लिस्निंग। आप लिस्ट कर सकते हैं आपके पास S3 के कितने बकेट क्रिएट हैं, तो आपको इस कमांड से दिखा देगा कि आपके S3 में कितने बकेट क्रिएटेड हैं। देखिए आपके पास दो बकेट क्रिएट है, एक OPOPOPOP और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट 2020-SNS। तो देखिए दो बकेट मेरे पास क्रिएट हैं। ये देखिए दोनों बकेट के नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिए। अब आपको किसी बकेट के अंदर का कोई डॉक्यूमेंट देखना है कि किसी बकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट पड़े हैं। तो सपोज करिए आप टेक्निकल सफर 2020-SNS के अंदर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आपके अंदर कंटेंट पड़े हैं, तो आप टाइप करेंगे AWS S3 LS और यहाँ पर लिखेंगे S3:// और इसका पूरा नाम लिख देंगे जिस बकेट के अंदर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, उस बकेट का पूरा नाम लिख देंगे टेक्निकल सफर 2020-SNS। तो देखिएगा इस बकेट के अंदर दिखा दिया उसने कि दो आपके पास, एक आपके पास फोटो है टेक्निकल सफर .jpg, एक test.pm फाइल है। दो फाइलें पड़ी है, मैं आपको इसको ग्राफिकली एक्सेस करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फाइलें रिफ्लेक्ट करेंगे, एक टेक्निकल सफर .jpg, एक test.pm। तो देखिए आप इस तरह देख सकते हैं कि किस डायरेक्टरी, अगर इसके अंदर कोई डायरेक्टरी भी क्रिएट होती और उसके अंदर आप देखना चाहते हैं, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, क्रिएट फोल्डर बना देता हूँ और उसका नाम मैं दे देता हूँ ध्रुव। तो और सिंपल समय से कुछ सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने इसके अंदर एक फोल्डर भी बना रखा है, ये देखिए ध्रुव नाम का, और दो फाइलें। अब मैं फिर से यही कमांड सेम कमांड टाइप करता हूँ तो देखिए तो देखिए मेरे पास एक पहले एक डायरेक्टरी दिखा रही है फिर दो फाइलें दिखा रही है। तो इस तरह आप किसी बकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसमें कितने फोल्डर हैं, क्या फाइलें हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आप इसको फोल्डर के अंदर की चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पे स्लैश लगा के फोल्डर का नेम दे देंगे और स्लैश लगा देंगे तो देखिए उस फोल्डर के अंदर क्या स्टोर है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। अभी देखिए फोल्डर के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो रिफ्लेक्ट कर दिया आपने। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई नई बकेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है AWS S3। अब आपको मेक बकेट MB मेक बकेट करनी है और बकेट का पूरा आपको यहाँ पे नाम डिफाइन करना पड़ेगा S3:// जो भी नेम हो आपका यूनिक नेम हो। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ध्रुव किंग 2020। मैंने बकेट का नाम डिफाइन किया ध्रुव किंग 2020
और मैंने इसको एंटर प्रेस किया, तो अगर इस नाम का बकेट क्रिएट नहीं होगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बकेट बकेट क्रिएट हो गया मेरे पास, इस नाम का कोई बकेट क्रिएट नहीं था, तो देखिए इस नाम का बकेट क्रिएट हो गया। मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, कमांड मेरी सिंपल सी पहली वाली कमांड आप टाइप करेंगे, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए तीन बकेट इस समय रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए आपको मेरी जो अभी लेटेस्ट बकेट बनाई है वो भी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोई आप बकेट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रिमूव बकेट कमांड टाइप करनी पड़ेगी। ये देखिए इसमें एम बी मतलब मेक बकेट और रिमूव बकेट कमांड में आपको रिमूव बकेट, तो आपको टाइप करना है रिमूव बकेट, आर बी मतलब रिमूव बकेट, और पूरा बकेट का नेम आपको देना है, S3 कॉलन डबल स्लैश लगा के पूरे बकेट का जो नेम है आपको वो असाइन करना है। लेकिन आपको ध्यान है कि वो बकेट एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई डेटाबेस है, कोई कंटेंट पड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट स्टोर है तो वो बकेट डिलीट नहीं होगी इस कमांड के थ्रू। अगर इस कमांड का यूज करना चाहते हैं, बकेट को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अंदर के कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा वन बाई वन, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कंटेंट को डिलीट करते हैं। तो आप इस कमांड से बकेट डिलीट कर सकते हैं, कमांड AWS -S3 AWS -S3 rb remove bucket -S3 colon double slash लगा के आपने बकेट का पूरा नेम असाइन कर दिया, तो देखिए बकेट मेरी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। देखिए रिमूव बकेट हो गया। अगर मैं फिर से देखना चाहूँ तो देखिए अब मेरे पास ये बकेट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये देखिए मेरे पास वो बकेट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इस तरह आप बकेट को क्या कर सकते हैं, बकेट को बना सकते हैं एंड बकेट को आप डिलीट कर सकते हैं। आप सपोज करिए आपको कोई डेटा आप कोई कॉपी करना है अपने पास, या कोई डेटा को आपको डिलीट करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड बताते जा रहा हूँ। अब देखिए अब मैं इस टेक्निकल सफर के अंदर कोई जो फाइलें पड़ी थी उनको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। अगर आपको कोई बकेट को खाली करना है, बकेट के अंदर का कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इस कमांड को यूज करता हूँ यहाँ पे, ये कमांड, और इस कमांड के बाद देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने कमांड टाइप की तो देखिए बकेट के अंदर जो भी डेटाबेस होगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो देख बकेट के अंदर मेरे पास ये आपके पास तीन डेटाबेस है, मुझे मान लीजिए टेस्ट फाइल डिलीट करनी है, टेस्ट डॉट पीएम फाइल डिलीट करनी है। तो कमांड सिंपल सी क्या होगी, अब आपको यहाँ पे आरबी की जगह आरएम लिखना पड़ेगा, रिमूव आरबी की जगह आपको आरएम मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई बकेट के अंदर का कोई आपको क्या ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, उसके बाद उस बकेट की स्लैश लगा के आपको बकेट का जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने बकेट का नेम, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, मुझे टेस्ट डॉट पी एम फाइल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा टेस्ट डॉट पी एम और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिएगा देखिए डिलीट हो गया। तो सिंपल सी कमांड थी, आपको आर बी की जगह आप आर एम लगाना है और पूरा आपको उसका पाथ डिफाइन करना है। पहले आपको एस थ्री लगा के कॉलन डबल स्लैश बकेट का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर पड़ा होता है तो पहले आप फोल्डर लिखते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए टेस्ट डॉट पी एम फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर आपने देखा तो देखिए टेस्ट डॉट पी एम फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। चलिए कोई जैसे कुछ डाउनलोड करना है आपके बकेट में, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो देखिए इस बकेट के अंदर ये फाइल है टेक्निकल सफर डॉट जेपीजी फाइल, इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो सब सीडी करके मैं कहाँ डाउनलोड करना चाहता हूँ, म्यूजिक में डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले अब उस लोकेशन में चला जाऊंगा। देखिए इसमें से मैं कहाँ पे हूँ, म्यूजिक लोकेशन के अंदर, म्यूजिक फोल्डर के अंदर हूँ। तो देखिए ये मेरा म्यूजिक फोल्डर है, ये देखिए यहाँ पे ये म्यूजिक है, तो ये समय ब्लैंक फोल्डर है, मैं ये इसके अंदर डाउनलोड करना है। तो अगर जहाँ भी आपको डाउनलोड करना होगा उस डेस्टिनेशन में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको डी ड्राइव में डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ पे डी ड्राइव में पहुंच जाएंगे। तो आप पहले उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको डेटाबेस चाहिए, डाउनलोड होके चाहिए, उस लोकेशन में आप पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ेगा AWS S3, आप CP कमांड होती है CP, आप कहाँ से सोर्स कहाँ है, S3:TechnicalSafar2020-SNS के अंदर से मेरी फाइल कौन सी, कौन सा ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना है, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना है। तो आप लिखिएगा TechnicalSafar.jpg, जेपीजी फाइल को डाउनलोड करना है। और आप इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे
एंटर प्रेस कर दीजिएगा। एंटर मत, अगर आप किस नाम से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप फाइल को किस नाम से डाउनलोड करना चाहते हो नाम लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे फाइल को किंग डॉट जेपीजी नाम से डाउनलोड करना चाहता हूँ, जेपीजी। तो आपने यहाँ पे किस नाम से स्पेस देके आप जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को किस नाम से डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन करिएगा और एंटर प्रेस करिएगा। तो देखिएगा मेरी जो ऑब्जेक्ट है डाउनलोड हो गई है। अब मैं देखिए इस अपने म्यूजिक लोकेशन में जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे किंग डॉट जेपीजी फाइल मेरे पास आ गई है जो नाम मैंने दिया था। तो इस तरह आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फाइल को अपलोड करना है तो सिंपल सा यही मेथड है आपका, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको अपलोड करना होता है। तो देखिए मेरे पास म्यूजिक लोकेशन में जाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मेरी एक फाइल है आईएम फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस म्यूजिक फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इस फाइल को मुझे अपलोड करना है, सपोज करिए ये आईएम फाइल को, ये पीएम फाइल है, इसको मुझे अपलोड करना है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप कमांड लाइन को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे AWS S3 CP सोर्स। सोर्स आपका लोकल आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो यही सोर्स है। सोर्स के अंदर कौन सी फाइल है आपकी, आपकी आईएम डॉट पीईएम फाइल है। आप उसको कहाँ पे, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, डेस्टिनेशन आपकी बकेट है इस समय। तो आप यहाँ पे लिखेंगे S3:// टेक्निकल सफर 2020-SNS के अंदर आप इसको अपलोड करना चाहते हैं। तो देखिए आपने एंटर प्रेस किया, अब ये फाइल सोर्स मतलब आपके लोकल डेस्कटॉप से अपलोड हो गई। देखिए फाइल कहाँ पे, टेक्निकल सफर 2020-SNS के अंदर। हम लोग देखते हैं तो कैसे देखेंगे, AWS S3 LS कमांड से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब आपकी ये फाइल वहां पे रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे S3:// अपने बकेट के अंदर देखना चाहते हैं ना आप, तो यहाँ पे टेक्निकल सफर 2020-SNS टाइप करेंगे, बकेट का नेम टाइप करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको फाइल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए आपको im.pem फाइल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। तो अभी तक हम लोगों ने देखा फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करते हैं, आप जो बकेट है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं। आपने सारी बेसिकली ये चीजें देख ली हैं। अब मैं दिखाता हूँ मूव कमांड। मूव कमांड मतलब आप कहते हैं ये जो फाइल है im.pem फाइल, ये यहाँ से मूव होके कहाँ चली जाए, इस फोल्डर के अंदर चला जाए। ये जो फाइल आपकी im.pem फाइल यहाँ पे पड़ी है वो इस यहाँ से मूव होके इस फोल्डर के अंदर मूव हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या कमांड टाइप करनी होती है, देखिए क्या कमांड टाइप करेंगे। आप कमांड टाइप करेंगे AWS S3, मूव के लिए MV, मूव कमांड के लिए MV टाइप करेंगे। सोर्स सोर्स देखिए क्या है आपकी S3, सोर्स भी आपकी बकेट है और डेस्टिनेशन भी बकेट है, लेकिन सोर्स आपकी बकेट है और डेस्टिनेशन आपकी बकेट के अंदर ये फोल्डर है। आप ये ध्यान रखिएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का बड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय आपका सोर्स क्या है, आपकी बकेट के अंदर ये फाइल, और डेस्टिनेशन क्या होगी, इस बकेट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल होगी। तो आप पहले सोर्स डिफाइन करिए, सोर्स है मेरी टेक्निकल सफर 2020-SNS के अंदर आपका है im.pm फाइल है। आप डेस्टिनेशन क्या है आपकी, S3:// टेक्निकल सफर 2020-SNS के अंदर ध्रुव फोल्डर है मेरा। तो देखिए सोर्स मेरी सीधे इस बकेट के अंदर सीधे फाइल है सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है, इस बकेट के अंदर ये फोल्डर है। तो मैंने ये डिफाइन किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ से मूव हो जाएगा कंटेंट। तो देखिए ये मूव आ गया यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं फिर से कमांड टाइप करता हूँ ये वाला, तो देखिए इस बार मुझे ये फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये im.pem फाइल यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अगर मैं इसको इस फोल्डर के अंदर जाके देखूँ, इस फोल्डर के अंदर जाके देखूँ थ्रू फोल्डर के अंदर, तो मुझे वो फाइल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर अगर देख रहा हूँ तो मुझे ये फाइल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखिए मुझे ये फाइल रिफ्लेक्ट कर गई। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। तो इस कमांड का आप यूज बैकअप के लिए कर सकते हैं। इस कमांड का यूज है सिंक कमांड। सिंक कमांड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैकअप के लिए। तो चलिए सपोज करते हैं ये मेरा यहाँ म्यूजिक के अंदर मेरा एक फोल्डर है,
इसको फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं, माई फोल्डर, और इसके अंदर मैंने बेसिकली दो, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, माई फोल्डर था, मैं इसको माई फोल्डर कर देता हूँ। और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका नाम चेंज किया, मैंने ओके कर दिया, इस फाइल को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। तो ये माई फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ओके डॉट पीएम फाइल है, या सिंपल सी ओके डॉट, इसका नेम मैं देख लेता हूँ, सिर्फ ओके डॉट फाइल है, ओके डॉट पीएम फाइल है। अब मैं इसको देखिए कैसे इसका यूज करूंगा, सिंक कमांड का। सिंक कमांड का मैं देखिए बहुत, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये बैकअप मैं अपने प्रिमाइसेस में भी लिनक्स बेस्ड बैकअप चलाता हूँ, डेली बैकअप टास्क चलाता हूँ, तो उसमें भी मैं सिंक कमांड का यूज करता हूँ। सिंक कमांड से क्या होती है, जो भी फाइल अपडेट होगी, जो भी फाइल मॉडिफाई होगी, या जो भी फाइल नई क्रिएट होगी, वही फाइल से मूव होगी, और जो आपकी फाइल जिनको आपने टच नहीं किया है, जिनको में आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, वो फाइल आपकी मूव या कॉपी नहीं होगी सोर्स टू डेस्टिनेशन में। तो देखिए इसका आप बैकअप के लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कमांड टाइप की AWS S3, कमांड है SYNC सिंक, सोर्स, सोर्स मेरी क्या है, माई फोल्डर है, सोर्स मेरा माई फोल्डर है, और डेस्टिनेशन क्या है मेरा, डेस्टिनेशन है मेरा S3 के अंदर डैश डबल स्लैश टेक्निकल सफर 2020 डैश SNS। मैंने इसको एंटर किया तो देखिएगा क्या होता है, ये फाइल जो इसके अंदर फाइल थी ओके डॉट फाइल, ये देखिए ये फाइल इसके अंदर मूव हो गई। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस बकेट के अंदर देखिए जो मैंने फाइल उस फोल्डर के अंदर क्रिएट की थी ओके डॉट पीएम फाइल, वो मूव हो गई। आप देखिएगा मैं इस फोल्डर के अंदर मैं दो कुछ और डॉक्यूमेंट मैं मूव कर देता हूँ। देखिएगा मैंने डाउनलोड में जाके यहाँ पे मैंने कुछ फाइलें और एक्सेस की, सिंपल सी एक ये फाइल और एक AWS क्लाउड, ये फाइल मैं तीन फाइल कॉपी किया, और सिर्फ म्यूजिक फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैंने तीनों फाइलें मैंने पेस्ट कर ली। अगर अब मैं फिर से कमांड टाइप करूंगा सेम ये वाली कमांड, तो इस बार ये फाइल इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ये तीन फाइल नई क्रिएट हुई है, तो ये तीन फाइल ही अपलोड होंगी, और इस फाइल में कोई आपका ये फाइल अपलोड नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो देखिए मैं सेम कुछ नहीं किया, मैंने फिर से वही कमांड टाइप कर दी यहाँ पे, और मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, जिस जो फाइल नई क्रिएट हुई है या जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, सिर्फ वही फाइल मूव होंगी। देखिए तीन फाइल मूव हुई है, अपलोड हुई है, पहले 8.1.jpg, दूसरा 3.png, और चौथा 1.AWS Cloud.jpg। मीन्स क्या हुआ कि जो नई फाइल क्रिएट हुई है या जो फाइल मॉडिफाई हुई है, वो सिर्फ फाइल वही फाइल आपकी क्या होंगी, अपलोड होंगी, और बाकी फाइल आपकी अपलोड नहीं होंगी। तो चलिए अब मैं इस फाइल को, जो ये वाली फाइल है, इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ। इसमें मैं एडिट में जाता हूँ, और इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्निकल सफर, और मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। अब देखिए मैंने इन तीन फाइलों को, मैं कोई चेंजेस नहीं किया है ऊपर वाली तीन फाइलों को, लेकिन इस फाइल में मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो अब देखिएगा सिर्फ ये वाली फाइल मेरी अपलोड होगी, ऊपर वाली फाइल अपलोड नहीं होगी। देखिएगा मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने फिर से वही कमांड टाइप कर दिया है। देखिए फिर से मैंने वही कमांड टाइप की है, और उसमें मैंने एंटर प्रेस किया है, तो देखिएगा आउटपुट में सिर्फ एक फाइल मूव होगी। देखिए इस बार कौन सी फाइल अपलोड हुई, ok.pem। ये फाइल क्यों अपलोड हुई, क्योंकि इस फाइल में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया था। तो ये कमांड आपकी बैकअप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप चलिए मैं आपको कुछ और इसमें काफी डिटेल से ले जाना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ क्या हूँ इसमें, कि सारी फाइल मूव हो, लेकिन कोई फोटो अगर इसमें हो, अगर कोई फोटो वाली फाइल हो वो उसमें मूव ना हो। तो सपोज करिए मैं बता देता हूँ कि मैं कोई फोटो वाली फाइल ले लेता हूँ। मैं यहाँ डाउनलोड में जाता हूँ, और डाउनलोड में मैं जाके मैंने सपोज करिए ये एक फाइल उठाई है, कॉपी किया है, और इसको म्यूजिक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लिया है। इसको मैंने म्यूजिक माई फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देखिए अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल मैंने लाइक नाम की फाइल है, ये फाइल मेरी फोटो फाइल है। फोटो फाइल में सपोज करिए JPG फाइल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी फोटो फाइल हो, फोटो फाइल बेसिकली JPG फाइल की होती है या PNG फाइल होती है, JPG फाइल है। देखिए मैं नहीं चाहता ये फाइल मेरी
अपलोड हो, अगर कोई यूजर जेपीजी फाइल स्टोर करता है उसकी फाइल अपलोड ना हो, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड पैरामीटर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक्सक्लूड पैरामीटर का आप लोग यूज करेंगे। देखिए एक्सक्लूड पैरामीटर का कैसे आप यूज करेंगे, आप मेरी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो फोटो वाली फाइल है ये फोटो वाली फाइल आपकी मूव ना हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड पैरामीटर का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपने कहा कमांड सिंपल सी यही है, आप यहाँ पे करेंगे हाइफन हाइफन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड टाइप किया, और आपने कॉमा के अंदर स्टार, स्टार मतलब उस फाइल का नाम कुछ भी हो लेकिन अगर उस फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी हो तो वो फाइल को एक्सक्लूड कर दो, उस फाइल को अपलोड मत करो। इसका मतलब समझ आ गए, मैंने स्टार दिया, स्टार का मतलब उस फाइल का कुछ भी नाम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो उसका, लेकिन डॉट उसका अगर एक्सटेंशन डॉट जेपीजी हो तो उस फाइल को आप अपलोड ना करो। तो देखिए इस फाइल को मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो इस बार कुछ भी अपडेट नहीं होगा। देखिए अननोन, देखो इस बार कुछ भी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि हमने एक्सक्लूड पैरामीटर लगाया था यहाँ पे, एक्सक्लूड पैरामीटर के साथ मैंने जेपीजी फाइल को मैंने यहाँ पे डिनोट किया था, इसलिए देखिए उसने जेपीजी फाइल जो मैंने लेटेस्ट फाइल डाली थी इस फाइल को अपलोड नहीं किया है, इस फाइल को उसने अपलोड नहीं किया है।